नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलरामपुर जनपद में आज सावन माह के दूसरे सोमवार पर जिले के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और हजारों की संख्या में शिव भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगकर भगवान भोले को जलाभिषेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक के इंतजाम किए गए हैं। जनपद के सभी शिव मंदिरों पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा में महिला और पुरुष पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बलरामपुर शहर में स्थित झारखंडी मंदिर और उतरौला शहर में स्थित दुख हरण नाथ मंदिर पर सुबह 4 बजे से हजारों की संख्या में भक्त लाइनों में लगे हुए हैं। धीरे धीरे एक एक करके मंदिर परिसर में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साफ सफाई को लेकर नगर पालिका के कर्मी लगे हुए हैं। भक्तों में दिख रहा खासा उत्साह। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है जिस पर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बलरामपुर नगर सहित ग्रामीण इलाकों के लोग क्षेत्र में शिव मंदिरों पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं बलरामपुर जनपद के जंगली नाथ मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही लोग कांवड़ के साथ जलाभिषेक किए हैं। राप्ती से जल लेकर कांवड़ के साथ लोग पैदल बम भोले के जयकारों के साथ जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही हजारों की संख्या बलरामपुर राप्ती से जल लेकर श्रावस्ती में स्थित विभूतिनाथ मंदिर पर लोग शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। संवाददाता प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है गुरु जी आपका? हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा शुभ नाम है महेश बाबा। ये बताइए, कल श्रावण मास का दूसरा सोमवार है तो लगभग कितने भक्तों के मतलब जलाभिषेक करने की संभावना है? कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक अनुमान लगा करके बताया जाता है कि कल 2,500 आदमी बाबा का जलाभिषेक दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। पूरे श्रावण मास में लगभग कितने श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिर पर जलाभिषेक किया जाता होगा? काफ़ी मात्रा में भक्त लोग आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है? प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, व्यवस्थाकर्मी हैं, वो समय से आ जाते हैं और भक्तों का जलाभिषेक कराने में काफ़ी योगदान हमारे प्रशासन का रहा है और है। लगभग कितना वर्ष पुराना मंदिर होगा ये? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये हमारी 7वीं पीढ़ी बीत रही है बाबा का सेवा करते हुए। ये बाणासुर के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है। मंदिरों में भीड़ लग रही है, कितने श्रद्धालु आते होंगे? लगभग काफ़ी संख्या में, लगभग हजारों से ऊपर प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और कांवरिया भी चलती है। सावन का महीना शिव जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है और यहाँ पर सुबह 4 बजे से पूरा दिन स्त्रियों का संकल्प का जो पर्व है वो चलता रहता है। जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है और भांग धतूर मीठा इत्यादि से यहाँ पर शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।